साथियों, आज हम आपको ये जो फंगस का रोग है इसके विषय में कुछ सावधानी आप बरतें, इसके विषय में बतलाएंगे। साथियों, आप अखबारों में समाचारों में पढ़ रहे होंगे, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस और इस प्रकार की फंगस की बीमारी महामारी का रूप भी लेती जा रही है। साथियों, कुछ घरेलू बातें हैं, इनका आप ध्यान रखें। आप बाजार से प्याज खरीदकर आप लाते होंगे, आप ध्यान पूर्वक प्याज को देखिएगा। कुछ प्याज पे आपने काला काला सा पदार्थ जमा हुआ देखा होगा। साथियों, ये जो काला काला पदार्थ है, ये जो प्याज के ऊपर आप अक्सर लगा हुआ देखते हैं, यही एक प्रकार का फंगस है। अब क्योंकि इसका रंग काला है, इसलिए आप इसको ब्लैक फंगस भी कह सकते हैं। तो अगर आप प्याज खरीद कर लाते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से देखें, और ये जो काला काला हिस्सा है, ये सब परतें निकाल करके इसको अच्छी तरह से गर्म पानी में धो लें। साथियों, आप अपने घरों के दरवाजे जो फ्रिज के हैं उसमें एक गैस्केट अर्थात रबर लगी रहती है। आप अपना फ्रिज का दरवाज़ा ज़रा खोलिए और उसमें लगी हुई रबर का अच्छी तरह से उसको देखिए, उसका मुआयना करिए, सुपरविजन करिए। आपको इस रबर में भी आपको काली काली फंगस आपको दिख जाएगी। साथियों, यही ब्लैक फंगस है, क्योंकि इसका रंग काला है। तत्काल इसकी अच्छे तरह से सफाई कर दें और बराबर उसकी सफाई पर ध्यान दें। अगर आपने ध्यान न दिया तो यही फंगस जो है फ्रिज के अंदर रखे हुए सामान तक पहुंच सकती है और फिर इसके बाद आपके शरीर के अंदर, और अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो यही आपको बीमारी भी दे सकती है और आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। साथियों, कुछ लोग आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देते हैं। आप भूल करके भी ऐसा न करें, आटा गूंथ कर फ्रिज में न रखें। कुछ लोग कटे हुए फल जो है वो फ्रिज में रख देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल न करें, कटे हुए फल फ्रिज में न रखें। प्याज ताज़ा काट कर खाएं, कटा हुआ प्याज देर तक न रखें। अगर आपने ब्रेड को फ्रिज में रखा हुआ है तो इस ब्रेड को आप बिल्कुल यूज ना करें। साथियों, फ्रिज में रखी हुई इन चीज़ों पर फंगस बहुत तेज़ी से पकड़ती है, आंखों से दिखाई नहीं देती और आपके शरीर के अंदर चली जाती है। एसी का आप इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम इस्तेमाल करें। जो कुछ खाएं वो सब कुछ ताज़ा हो और बनाए जाने के एक दो घंटे के अंदर उसे खा लें। साथियों, आपको जिस किसी भी पदार्थ में आपको फंगस दिखे, काला हो या किसी और रंग का, तो आप उसे सावधानी पूर्वक नष्ट कर दें। आप अपने कूलर की, एसी की, और अगर आपके पास आरओ मशीन है तो उसकी टोटी भी ध्यानपूर्वक चेक करते रहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर फंगस पनप सकती है। साथियों, आप बेहद चौकन्ना रहिए, इन बातों के बारे में पढ़ते लिखते रहिए और अपडेट रहिए। अपने मन को, चित्त को बिल्कुल शांत रखिए। शुद्ध और ताज़ा खान पान करें, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। हल्का फुल्का व्यायाम करते रहिए और हमेशा सकारात्मक रहें। साथियों, आपने सफ़ेद और पीला फंगस भी सुना होगा। पीला फंगस जो रेप्टाइल होते हैं, जैसे छिपकली है, गिरगट है,
इनका जो बीट होता है इसमें पनपता है। फंगस जो है वो सड़ी नमी युक्त लकड़ी हो, सड़ा नमी युक्त गोबर हो, सड़ी नमी युक्त पत्तियां हो, कंपोस्ट खाद हो, रुका हुआ पानी हो, हरे रंग की बरसाती दीवारों पर आपने इसे देखा होगा, फर्श की काई पर भी पनपता है, नमी युक्त जगहों पर भी यह पनपता है, इसलिए सावधान रहें। और जब भी आप इस फंगस को साफ करें तो सावधानी पूर्वक हाथों में दस्ताने पहनकर साफ करें, ताकि किसी भी प्रकार से आपके शरीर के अंदर जाने का इसको मौका न मिले। साथियों, इन बातों को अगर आप सावधानी पूर्वक करेंगे तो आप इस प्रकार के फंगस के रोग से आप बचे रहेंगे। साथियों, सावधानी अपनाएं और बीमारी से बचने का उपाय करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।